सो हे यू ऑल फैसिलिटी पीपल एंड वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। तो दोस्तों आमतौर पर मेरे आप चैनल पर ज़्यादातर ट्रेन जर्नीज देखते होंगे, लेकिन आज मैं करने वाला हूँ फ्लाइट जर्नी। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ जम्मू शहर के जम्मू एयरपोर्ट में। इसकी अपनी जर्नी होने वाली है स्पाइस जेट की एयरलाइन SJ8964, जिसमें हम जम्मू के सिविल इनक्लेव एयरपोर्ट से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। रास्ते में बेहद ही खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों से होते हुए हम पहुँचेंगे कश्मीर के श्रीनगर के शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो चलिए आज के अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त हम आ चुके हैं जम्मू एयरपोर्ट, जो कि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और जम्मू एयरपोर्ट में आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे दो लेयर की सिक्योरिटी चेकिंग होती है। सबसे पहले तो आपको एयरपोर्ट की मेन टर्मिनल बिल्डिंग से जाने से पहले एक चेकिंग होगी, और दूसरी चेकिंग जो कि आमतौर पर बाकी एयरपोर्ट में होता है टर्मिनल बिल्डिंग्स पर एंट्री लेने से पहले। और जम्मू एयरपोर्ट पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी क्लिप्स आप सभी को दिखा रहा हूँ, तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर से रखिएगा। सो जैसे ही आप एयरपोर्ट के मेन बिल्डिंग में आएंगे, आप यहाँ से एंट्री लेंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सुविधाएँ शॉप्स, साथ ही साथ खाने पीने के शॉप्स मिल जाएगी। पहले जब जम्मू एयरपोर्ट था तब उसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसका जब से रेनोवेशन हुआ है तब से यहाँ काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ गई है। अगर आपकी फ़्लाइट है एयर इंडिया, विस्तारा, गो फ्लाई और इंडिगो की, तो आप ऑनलाइन अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं इन मशीन्स के थ्रू। वरना फ्लाइट जर्नी में मैं अकेला नहीं, साथ में मेरे स्कूल मेट्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। ये है गौरव भाई, ये है अजय। उसमें भाई साहब गर्लफ्रेंड के साथ इतना बिजी थे ना कि फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ था, फिर भी भाई साहब लगे हुए थे बात करने में। और अजय, कुछ कहना चाहेंगे आप? किससे कौन थी आपकी गर्लफ्रेंड? ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया? भाई हमारे रॉकी है ना, था हो चुका है शायद। साथ में मेरे रवि भाई, ये मेरे भाई हैं बनारस से। एक्चुअली क्या है ना, हम तीन तो ट्रैवल कर रहे हैं स्पाइस जेट से, लेकिन इन भाई का एकदम इंस्टेंट प्लान बना था, तो स्पाइस जेट में एक्चुअली खाली नहीं थी। तो इन्होंने किस में लिया भाई? गो फर्स्ट में लिया ना आपने? गो फर्स्ट में लिया इन्होंने। क्या भाई, भूल फ्लाइट तो नहीं भूलोगे ना? चलो, तो भाई ने इन्होंने गो फर्स्ट में लिया है। और स्पाइस जेट और गो फर्स्ट दोनों काफ़ी बदनाम है कि काफ़ी कभी भी कैंसिल हो जाती है, कभी भी डिले हो जाती है। लेकिन फिलहाल आज की तुम्हारी भाई फ्लाइट टाइम पे है। हाँ, फ्लाइट टाइम पे। और हमारी भी अभी फिलहाल स्पाइस जेट की एयरलाइन जम्मू से श्रीनगर वाली एकदम ऑन टाइम है। और भाई की जो गो फर्स्ट की है वो आने वाली है मुंबई से, तो मुंबई से तो उसका ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है। देखते हैं जम्मू कैसे वो पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो भाई आप मुझे बताना गो फर्स्ट का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और फाइनली हम उस स्टेप पे आ चुके हैं जो स्टेप मुझे फ्लाइट्स का सबसे ज्यादा गंदा लगता है। यहाँ पे आपको आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कॉइन्स, इवन तक जैकेट्स तक आपको यहाँ पे उतार के रखनी होती है। ऐसी इस लेवल की सिक्योरिटी चेकिंग होती है फ्लाइट्स पे। सो सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होने के बाद हम आ चुके हैं बोर्डिंग गेट्स की तरफ। और अगर आपको एक और दो नंबर बोर्डिंग गेट की तरफ जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं बाय बस के थ्रू। और हमारे बोर्डिंग गेट है आज का 4, तो हमें ऊपर की तरफ जाना है आज। ये देख लीजिए, 60 रुपये वाली चाय यहाँ पे मिलती है, इस दुकान को याद कर लीजिए। सो बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, चलिए सीधा चलते हैं प्लेन के अंदर। तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने बोइंग 737 मैक्स में, और ऐसा कुछ है इसका लेग स्पेस। लेग स्पेस तो ओके है, मतलब इकोनॉमिक फ्लाइट के हिसाब से जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं LCC में। और साथ ही साथ इसमें आपको मैगजीन्स वगैरह भी मिल जाएगी, जो कि एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है। चलो एक चीज़ तो अच्छा है कि कुछ तो मिल रहा है एटलीस्ट इसमें, वरना LCC में आमतौर पर तो यार कुछ भी नहीं मिलता। और ऐसा है कुछ ओवरऑल इसका इंटीरियर, और 3x3 की कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये है स्पाइस मैक्स, जो कि रेड सीट है, और ये और भी ज़्यादा कॉस्टली होती है। इनमें लेग स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, जो सीट्स की क्वालिटी होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। अगर आप स्पाइस जेट की इस फ्लाइट में जर्नी करना चाहते हैं जम्मू से श्रीनगर के बीच में, तो मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ फेयर की। मुझे इसका फेयर 2 दिन पहले बुक करने पर पड़ा है अप्रॉक्स 3500 रुपीज़ के करीब। यही फेयर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फ्लाइट में जैसे कि आप सभी जानते हैं डायनेमिक होते हैं। यदि अगर अभी इंस्टेंट स्नो गिर जाए तो इसका फेयर 10,000 भी पहुँच जाता है। अराउंड 1 या 2 मंथ पहले आप बुक करें तो 2500 रुपीज़ के बीच में पड़ेगा। इंस्टेंट अगर आप बुक करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि यार थोड़ा पहले बुक कर लिया करो।
वक्त हम श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और इससे वर्स्ट लैंडिंग मैंने आज तक इतनी सारी फ्लाइट जर्नीस करी है लेकिन कभी नहीं देखी। हम बता ही नहीं सकते, एकदम धगड़ 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 हो चुका था प्लेन।